नागपंचमी के दिन रात 11:30 बजे नंदनवन जगनाड़े चौक यहां से मुकेश चौहान नामक व्यक्ति का फोन सागर चौधरी को आया था कि घर में सांप निकला है। सागर बिना देरी किए सर्प मित्र आकाश शेंडे के साथ वहां पहुंचा। वहां देखा तो उसे वहां दुर्लभ प्रजाति का रेड सैन बोआ जाति का करीब 4 फुट का सांप दिखा। घनी बस्ती होने से वहां पर भीड़ भी जुटने लगी थी। सागर और आकाश ने बिना देरी किए सांप को बड़ी सहनशीलता से पकड़कर रात में ही ट्रांसिस ट्रीटमेंट सेंटर में सुपुर्द किया। इस सांप के प्रति अंधविश्वास है कि ये सांप गुप्त धन ढूंढने में मदद करता है, जो कि गलत है। वैसे इसे दो मुहा सांप इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पूंछ मुंह समान दिखती है। वास्तविकता में इसे एक ही मुंह होता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहर के साथ अभिषेक बांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।